वैसे बहुत दुखद बातें हैं, बहुत दुखद बातें, बहुत दुखद बात है। क्या दुखद है आगे सुनिए। तीन बार मैंने लिखा है कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बड़े प्यार से अनुभव करते हैं, योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, मधुबन होते आते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते अहंकार का, माया का रूप ऐसा प्रवेश होता है कि उनको हर बात सही बात भी गलत लगता है। दूसरा, दीदियों के हर बात को भी वो सम्मान नहीं देती। तीसरा, भाई बहनों की कमियां देखने लगते हैं। चौथा, पुरुषार्थ से धीरे धीरे हटने लगते हैं। पांचवा, माया के गोद में पहुंच जाता है। तो इसका सूक्ष्म माया का जो अहंकार है, इसको कैसे जीता जाए, क्योंकि बहुत भाई बहनें अहंकार में आकर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसका निवारण एक ही है। फिर लिखा है, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। ताली तो बजाओ। उनको कितना ब्राह्मणों के ख्याल है। अभी इसको कहेंगे बहुत सुखद है, दुखद नहीं है। दुखद को सुखद में परिवर्तन। बाबा दुखी संसार को सुखी संसार बनाया, बनाने आया, लेकिन उसकी विधि है एक ही। मैंने आपको पहले दिन ही कहा कि मुरली बुद्धि में नहीं है। ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं होती है। अगर ये दुर्गति क्यों आई, किसी की बुराई क्यों दिखाई देता है, ज्ञान योग में किसी में दिल क्यों नहीं लग रहा, अंदर ज्ञान नहीं है तो क्या है? अंदर पांच विकारे भरे हुए हैं। शरीर ही दिखाई देता है, शरीर की बातें याद रहती है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है। जहां ज्ञान नहीं है तो पुराने हमारे आधा कल्प के संस्कार है वही काम करेंगे। आधा कल्प के संस्कार पर चिंतन, निंदा, शरीर को देखना, शरीर वालों की बातें याद रखना, तो ये आधा कल्प के वही संस्कार है। तो अभी उस जगह पर अपने आप को समझाना, हाँ माता जी ऐसी करती है, हाँ इनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने कहा सब देवता तो नहीं बनेंगे, दास दासी भी चाहिए, ठीक है इनका ये संस्कार हो कर दो। हमें उसका चिंतन है, ड्रामा के पॉइंट को याद रखना चाहिए। हर एक का पार्ट अपना अपना है ना। हम कुछ नहीं, क्यों इसको चेंज नहीं कर सकते, उनको करना है। दूसरा, मेरे मन में उनके विचार नहीं आना चाहिए, तो मेरे मन में ज्ञान, तो उसके लिए विधि बताए। इनको देखते ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे, इस आत्मा का कल्याण करो। देखो रोज क्लास करते आती है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। बाबा इस आत्मा को दया क्षमा करना, बाबा इस आत्मा की गति सदगति करो, इस आत्मा को शक्ति दे दो, उनके प्रति शुभ सोचो, दुआएं दे दो। ये नहीं करते हो, उन्होंने जो कर्म करते वही याद रहता है। ये परिवर्तन उनको करना है कि हमको करना है ना। मुरली में स्व परिवर्तन का है ना, इसलिए का ज्ञान बुद्धि में चाहिए। ज्ञान नहीं है तो ये परचिंतन ही याद रहता है। अगर ज्ञान है, कोई मिले तो उनको मुरली के पॉइंट सुनाओ, आप भी चिंतन करो। ये दो न होने के कारण परचिंतन, पर दर्शन, और आत्मा अपने आप को शक्तिहीन समझती है। उमंग उत्साह नहीं है क्योंकि अंदर गलत है। अंदर गलत है तो गलत ही दिखाई देता है, जैसा चश्मा पहनो वही दिखाई देगा। तो अपने को चेंज करना है। हाँ ये माता जी करती, ये सब लोग ऐसे करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। अपने को परिवर्तन करो। इनको अभी तक 10 साल से ज्ञान में चलती है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं। मुझे उनको फॉलो करना है, उनके राज में जाना है कि शिव बाबा के राज में जाना है। तो ये अपने आप से बात करते रहना चाहिए। हाँ माता जी 10 साल से चलती है, वो अर्जन है, मुझे उनको देखना थोड़ी है, मैं उनको खुल के रहा, उनको फॉलो थोड़ी करना है, मुझे शिव बाबा को फॉलो करना। बाबा ने कहा मुझे देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरी दुनिया में आना है, मेरे घर में जाना है, ड्रामा में हरे का पार्ट है। ये अपने आप को पढ़ाते रहते हो, कभी उनका उमंग उत्साह कम नहीं होता है, कभी उनके मन में दूसरों का परचिंतन नहीं चलता है, कभी भी किसी से मिलेंगे इधर उधर की बातें वर्णन नहीं करते हैं। तो ज्ञान का चिंता है, अभी पता है, अगर जानते भी है, ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा है।
वो अपना पार्ट बजाएंगे, रावण पार्ट बजाएगा। ये बुद्धि में है तो कभी दुखद बात नहीं है। हम एक दूसरों को देखते हैं, उसके कारण अपनी अवस्था ही गिर जाती है। तो तब का अगर कोई कितना भी खराब करता है, गलत भी है, ज्ञान में चलने के बाद भी, तो मेरे पास क्या है, उनके लिए शुभ भावना। अगर वो भी चाहे, देखो बाबा ने 1996 या कल भाई जी कह रहा था 1996 और 97, 2 साल में मुरली चलाई। क्या चलाए बच्चे? अगर आपने देखा इस बाबा के परिवार में कोई बहुत गलत काम करता है, बहुत गुस्सा करता है, आपका काम क्या है? आपको उसको देखना चाहिए, अरे ये भाई बहुत गुस्सा करता है, ज्ञान में चलते हुए भी ऐसा करता है, तो ये औरों को बताना चाहिए? तो बाबा ने 4 व्यवस्था बताया। बच्चे आपको किसी ने, बाबा ने वॉचमैन नहीं बनाया, कौन क्या करता देखते रहो, जो करता वो पाएगा। आपको किसने कहा देखो? नहीं बाबा, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कोई गलत करता है हम चुप रहे? अच्छा बच्चे, आपके परिवार है, परिवार में माँ बाप है, माँ बाप आपको बताओ? हाँ माँ बाप है, एक परंधा में रहता है, एक सूक्ष्मदर्प में रहता है, वो तो हमारे सुनते नहीं है। चलो माँ बाप नहीं सुनते हैं, क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? आपके अंदर ताकत है उसको परिवर्तन करने की? अगर परिवर्तन करने की ताकत है, उसकी विधि बताया कैसे परिवर्तन करेंगे। तो उसको बताया, उसकी पहले महिमा करो, भाई जी आप रोज क्लास पे आते हो, रोज योग करते हो, बाबा की इतना सेवा करते हो, इतने साल से ज्ञान में चलते हो, कल आप उस भाई से इतने जोर से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगर वो व्यक्ति सभ्य है तो कहेगा मुझे उस समय याद नहीं थी, भूल हो गई, मैं बाबा से सॉरी मांगा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर वो व्यक्ति कठोर है, आपने क्यों देखा, आपको किसने कहा देखने के लिए, ये भी बोलेगा। तब बाबा ने कहा पहले किसी को परिवर्तन, कुछ शिक्षा देते हो, अगर मेरे कपड़े में काला दाग लगा है आपको दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता, तो आप कहेंगे ना भाई जी को मैं बताओ। तो बाबा ने विधि बताया, पहले उनकी महिमा करो, उनका दिल जीत लो, फिर तो भाई जी आपको पता नहीं इधर काला लगा, मैं साफ करूं। अगर वो सभ्य है, नहीं नहीं भाई जी आपने बताया अच्छा है, मैं साफ करता हूं। अगर वो थोड़ा कठोर व्यक्ति है, आसुरी संस्कार है, आपको किसने कहा मेरे कपड़े काले हैं ना, आपको किसने कहा देखने के लिए, ये भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों को अगर परिवर्तन करने की चाहते हो तो बाबा ने विधि बताया, तो नहीं तो हम किसी को वॉचमैन नहीं बनाया बाबा ने। एक दूसरों को देखते रहो, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, ड्रामा में हरेक अपना पार्ट है, हरेक अपने अपने कर्म कर रहा है, कोई राजा बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, कोई और कुछ बनेगा। ये ज्ञान बुद्धि में, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है, वो किसी के प्रभाव से अपने को हलचल, अपने अवस्था को हलचल में नहीं लाता। कोई कुछ भी होता रहे, किसी को कुछ भी देखते, अपनी अवस्था अचल, के मुझे शिव बाबा से सुनना है, शिव बाबा को देखना है। हम बाबा के घर में आए, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बाबा को देखते हैं, क्या और किसी को देखते हो? दूसरों को देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए कभी कभी, हाँ फिर भी आप कहेंगे भाई जी दिखाई तो देता है, तो क्या करें? उसकी भी बाबा ने व्यवस्था, बच्चे उल्टी कहाँ करेंगे, डॉक्टर के गोदी में करेंगे? हाँ बाबा ने कहा उल्टी करो, अंदर कुछ गलत देखा, सीधा जाओ बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बाबा ये आपका बच्चा देखो ऐसा करता है, बाबा ये देखो ऐसा करता है, कल बताया था बाबा सब कुछ जानता है, देखता है, लेकिन जानता है ऐसे कर्म करने वाले का ऐसा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसको फल मिलेगा। और बाबा जानता है यज्ञ में कोई नुकसान होता है तो बाबा उसको रोकता भी है। बताया आपने सुना बाबा रोकता है किसी को? हाँ वो भी याद रखना, महाभारत में एक बहुत सुंदर कहानी आती है, कौन था अभिमन्यु का बेटा ऐसा लगता है, उसका नाम बर्बरिक करके, बहुत बड़ा तपस्वी। तो श्री कृष्ण ने देखा अभी महाभारत युद्ध होने वाला चाहिए, होने वाला है, ये बर्बरिक अभिमन्यु का लड़का कैसे कोई है ना? अभिमन्यु का सुना नहीं, बर्बरिक करके है, तो वो इतना तपस्या, उसके एक बाण से सारे महाभारत में इतने अस्त्र जो सैन्य सबको खत्म कर सकता, इतनी ताकत, तो अर्जुन का कोई वैल्यू नहीं उधर।
तो क्या करे, तो इसको कैसे रोके, इसका इसको परिवर्तन कैसे करे। तब प्रश्न आया, तो एक दिन गया, सुना आपके पास ऐसे अस्त्र है, देखो अस्त्र चला के दिखाओ कितनी पावर है आपके पास। तो उसने एक झाड़ को तीर मारा, जितने पत्ते थे सारे झाड़ के पत्ते गिर गए, एक भी पत्ता नहीं। एक तीर से एक झाड़ के हर एक पत्ते को गिरा सकता है। तो माकुरू क्षेत्र में जितने लोग हैं सैनिक, एक ही बाण से ये खत्म कर सकता है। और श्री कृष्ण ने वादा किया, अर्जुन तुमको मैं विजयी बनाऊंगा, तो मेरा वचन फेल हो जाएगा, ये आगे जाएगा, भगवान कैसे रोकता है। तो कहा कि आपके पास ये अस्त्र किसने दिया, ये आपके प्रभाव आपके कारण मुझे मिला है। मैंने दिया, हाँ गुरु के द्वारा ही मिला, तो गुरु को दक्षिणा दे दो, तुरंत मांग लिया दक्षिणा दे दो। तो क्या दक्षिणा चाहिए मांग लो। तो कहा मुझे आपका सिर चाहिए, तुरंत तलवार उठाया, सिर अलग करके दे दिया। तब कहा मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम सारा महाभारत युद्ध देखेंगे। कैसे होगा, मेरे सिर कटने के बाद मैं कैसे देखूं, देखेगा। तब उसका सिर काटा उसने दिया, तो उसका सिर एक पहाड़ पर, पांडवों को कहा जाके पहाड़ पर रखो ऐसा ही। और ये महाभारत युद्ध चल रहा था, तो वो देखता था पूरा महाभारत युद्ध। के बाद उसको पूछा आपने देखा, मैंने पूरा महाभारत देखा। तो जो चाहे कर सकता है, कोई अगर ऐसा करता है, भगवान अपने कार्य, उसका कार्य है। भगवान का क्या कार्य है, मनुष्य आत्मा को सुख शांति देना, भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में कोई विघ्न डालता है तो उसके लिए भगवान के पास ऐसा शक्ति भी है। ये भी याद रखो, महाभारत पढ़ो उसके अंदर सब समझाया। अगर कोई ऐसे भगवान का कार्य है, श्री कृष्ण ने वादा किया अर्जुन तुमको मैं विजयी बनाऊंगा, पांडवों को राज्य दूंगा, विजयी बनाऊंगा कि मुझे साथ दिया आपने, आप लोगों ने, तो मैं विजयी बनाऊ। भगवान को जिन्होंने साथ दिया उनके विरुद्ध उनको कोई दुख देने के लिए कुछ कितना भी शक्तिशाली होने दो, भगवान एक ही मिनट में उसको युक्ति से मुक्ति कराता है। इसका भी ध्यान देखना, इसका भी महाभारत कहानी नहीं है, ये अपने को सीखने के लिए दिखा है, आप सीख लो। भगवान के कार्य में कोई भी मुझे विघ्न डालना नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है, पांडवों को जो भगवान को मदद करते हैं उनकी रक्षा करना, उनको राज्य देना, उनका विजय देना, सुख देना, ये उसका कार्य है। उस कार्य में कोई भी अपना कुछ दिखाता है बल, तो भगवान कैसे बाजू में कर देता है। इसकी कहानी ये सब पढ़ने के बाद आपको ना मुझे क्या करना चाहिए, ईर्षा द्वेष घृणा ये सब भरी हुई है, किसी का पाव खींचना, कोई आगे जा रहा है, ये सब है हमारे पास। आपस में बात न करें, ध्यान से सुने ना, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। कोई भी अच्छे काम करता है ये बाबा के श्रीमत पर करता है, भगवान को मदद, उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना, हाँ कुछ गलत होता है, नहीं ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं, वो बाबा जानता है। नंबर वार पुरुषा, सभी राजा नहीं बनेंगे, झाड़ू लगाने वाले बेचारे हैं ना, कौन लगाएगा, तो वो भी इधर से होंगे ना कि ऊपर से कोई आएंगे, इधर भी से होंगे ना, तो बाबा को पता है बच्चे जिसका कर्म दिखता है, अंदर रिकॉर्डेड है, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। आप और हम क्यों चिंता करें, तब का पर दर्शन नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। अगर कुछ दिखाई भी देता है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बाबा ये आपका बच्चा देखो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, अपने दिल में भी नहीं रखना, हार्ट अटैक हो जाएगा, है ना, डिप्रेशन में जाएंगे, अरे मैं तो बाबा को देख के आता, इधर ऐसा करता है, इधर ऐसा करता है। हाँ सब होता है, कलयुगी आत्मा है ना, होते के बाद भी मुझे अगर कुछ दिखाई देता है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ मंजूर, कि कुछ दुविधा है भाई के, दुविधा किसी के पास दुविधा है।